एवरेज मेथड, और वेटेड एवरेज मेथड का मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होंगी उसमें किसी को हम ज्यादा वेट देंगे और किसी को हम कम वेट देंगे, यानी किसी को हम ज्यादा मरतबा काउंट करेंगे और किसी मंथ की फोरकास्ट करते हुए हम जैसे फर्ज करेंगे अप्रैल की फोरकास्ट कर रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने का डेटा हमने लिया, अब इसमें से किसी एक मंथ के डेटा को हम ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। एम्फसाइज करने का रीजन ये है कि फर्ज करें हमें रियल लाइफ फैक्टर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्च के मंथ की जो सेल्स है उस सेल्स का अप्रैल के मंथ पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, तो हम मार्च को ज्यादा वेटेज देंगे, जनवरी की सेल्स को कम वेटेज देंगे। या हमें ऐसा लगता है कि जो जनवरी की सेल्स थी इसका इम्पैक्ट अप्रैल के ऊपर ज्यादा आएगा, तो हम जनवरी की सेल्स को ज्यादा काउंट करेंगे और मार्च की सेल्स को कम काउंट करेंगे। सवाल पढ़ते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, डोना गार्डन सप्लाई वॉन्ट्स टू फोकस स्टोरेज शेड सेल्स बाय वेटिंग द पास्ट थ्री मंथ्स विद मोर वेट गिवन टू रीसेंट डेटा टू मेक देम मोर सिग्निफिकेंट। तो यहां लिखा हुआ है कि रीसेंट डेटा को हमने ज्यादा वेट देना है। रीसेंट डेटा से मुराद क्या होगी, जो हमारा लास्ट मंथ है। तो इसका फोरकास्टिंग का तरीका इस तरह होगा कि अप्रैल के मंथ के लिए जब हम फोरकास्ट करेंगे तो देखिए हम थ्री मंथ्स के डेटा को ले रहे हैं, जनवरी फरवरी और मार्च, इसमें जो रीसेंट डेटा है उसको ज्यादा वेट देना है, तो मार्च के मंथ को हम थ्री टाइम्स काउंट करेंगे सबसे ज्यादा। प्लस जो फेब का डेटा है वो वन मंथ ओल्डर है, तो इसके डेटा को हम उससे कम काउंट करेंगे, यानी कम वेटेज देंगे टू, और जनवरी का डेटा सबसे ओल्ड है तो उसे सबसे कम वेटेज देंगे यानी टेन वन। तो रिसेंट डेटा को थ्री टाइम्स काउंट किया, उससे प्रीवियस मंथ को टू टाइम्स, और जो सबसे पुराना डेटा था उसे वन वन। ऐसा वेट देने का रीजन सवाल में खुद लिखा हुआ था कि रिसेंट डेटा को हमने ज्यादा वेटेज देना है। सर ये जो हमने जो डेटा को वेट दिया है थ्री टू वन, ये सवाल में गिवन होगा या अपने मर्जी से इसमें अगर फोर सवाल में गिवन हो फोर थ्री वन हो कुछ भी दे नहीं सवाल में गिवन सवाल में गिवन थ्री मंथ्स का डेटा था, सबसे ज्यादा वेट रिसेंट को देना था और टोटल थ्री मंथ्स है ना, तो वन टू और थ्री, तो हाईएस्ट वेट थ्री हुआ जो रिसेंट डेटा को देना, लोएस्ट वेट वन हुआ जो ओल्डेस्ट डेटा को देना। फोर मंथ्स का फोरकास्ट होता तो वन टू थ्री फोर, तो फोर हाईएस्ट वैल्यू वो हम रिसेंट डेटा मार्च को देते, उससे कम थ्री वो फरवरी वाले डेटा को होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 24 और ये 10, तो 39 प्लस 24 प्लस 10 जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 3। सर सवाल तो 60 है, 33 डिवाइडेड बाय 6 किया। अच्छा हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमने 3 इसको काउंट किया, 2 इसको और 1, तो 3 प्लस 2 5 एंड 1 6। ओके मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर 12.16। अब जब मई में ये फोरकास्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे सबसे हाईएस्ट वेट देंगे अप्रैल डेटा 16, अप्रैल डेटा 16 इनटू 3, फिर मार्च का डेटा 13 इनटू 2, और फिर फरवरी का डेटा जिसको हम 1। इसका आंसर बताइए 14.13। जून के लिए 19 into 3 16 into 2 13, फिर 13 into 1 और डिवाइडेड बाय 6, आंसर 17.00। जुलाई के लिए 23 into 3 फिर 19 into 2 and 16 into 1
पूरा ये डेटा डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा सर वो बुक में 1/2 लिखा था उसको इन्होंने 1/2 पढ़ लिया ऑगस्ट के डेटा को फोरकास्ट करने के लिए जुलाई का डेटा 26 मल्टीप्लाई बाय 3 जून का डेटा 23 मल्टीप्लाई बाय 2 और मई का डेटा 19 मल्टीप्लाई बाय 1 और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 6 23.83 यहाँ 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 26 बाय 2 प्लस 23 बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 28 by 3 30 into 2 26 into 1 or divided by total 28.3 November ki forecast ke liye data lenge October se 18 into 3 28 into 2 or 30 into 1 divided by 6 23.3 December के लिए 16 into 3 18 into 2 and 28 into 1 divided by 6 18.666 अब सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं जिस ग्राफ पर हम मंथली सेल्स एवरेज को प्लॉट करें इस ग्राफ पर प्लॉटिंग करने के लिए हमें यहां पर इक्वल वैल्यूज चाहिए होंगी सेल्स की जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 30 तो हम अपनी कॉपी पर ये ग्राफ इस तरह बना सकते हैं कि हमारे पास जो लाइंस होती हैं कॉपी की हर लाइन को हम एक पॉइंट कंसीडर कर लें सर अगर ग्राफ पढ़ो तो क्या नहीं डायमंड तो हमने 3 का एक टेबल पूरा देख दिया स्टार्टिंग विद 3 और मैक्सिमम वैल्यू 30 और यहां पर 12 मंथ्स की सेल्स के लिए जैन फेब मार्च अप्रैल और दिसंबर तक डेटा आ जाए एक्चुअल सेल्स देखें तो जनवरी में कितनी है 10 प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे लेट्स सपोज ये है जनवरी 9 से ऊपर तो यहां पर 9 से ऊपर आ जाएगा फेब में है 12 सपोज ये है फरवरी मार्च में सेल्स 13 प्लॉटिंग तो सबको आती होगी अप्रैल 16 मई 19 जून 23 जुलाई 26
30 September is 28 October is 18 November 16 December 14 ये ट्रेंड लाइन बन गई कि हमारी सेल्स की ग्रोथ में पहले जनवरी से लेकर अगस्त तक एक अपवर्ड ट्रेंड है और उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड है दिसंबर तक। ठीक है, ये जो सेल्स की हमने एक्चुअल वैल्यूज ली, बिल्कुल इसी तरीके से हम ये जो वेटेड एवरेज है इसे भी यहाँ प्लॉट कर सकते हैं और मूविंग एवरेज को भी प्लॉट कर सकते हैं। सपोज के वेटेड एवरेज का ग्राफ कुछ यूं बनता है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो वेटेड एवरेज है ये ओवरऑल पूरे साल में एक्चुअल सेल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक्चुअल सेल्स इतनी हो रही है और वेटेड एवरेज का मेथड इसको यहां फोरकास्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारे जो फोरकास्टिंग मेथड है वेटेड एवरेज, वो हमारे लिए दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये हमेशा ही सेल्स को एक्चुअल से कम बताता है। तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज मूविंग एवरेज दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हमने दो तरीके समझे हैं, एक मूविंग एवरेज और एक वेटेड एवरेज। मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, 3 months के डेटा की सेल्स को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ की फोरकास्टेड सेल्स आ जाती है। मूविंग एवरेज में हमने तमाम मंथ्स को इक्वल वेटेज दिया था, किसी मंथ को ज्यादा किसी मंथ को कम काउंट नहीं किया था। वेटेड एवरेज में सवाल में लिखा हुआ था कि रीसेंट डेटा को ज्यादा वेट देना है, तो जो हमारा रीसेंट मंथ होता है उसको 3 times काउंट करते हैं, उससे प्रीवियस मंथ को 2 times और जो फर्स्ट मंथ है उसको 1 time, और इस तरह टोटल हमारी काउंटिंग में 6 months हो जाते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, डिवाइड बाय 6 करते हैं, फर्स्ट मंथ को 3 times, सेकेंड मंथ को 2 और थर्ड को 1st। तो इस तरह हमारे पास इसकी फोरकास्टिंग आ जाए। यहां तक क्लियर? दोनों मेथड? यस सर। ठीक है, कॉपी करें।